Good morning friends, a very warm welcome to all of you in our new session of Digital Gurukul. Namaskar dosto, Digital Gurukul mein main Srikant aap log sabka ek baar fir se swagat karta hu. Dosto, aaj hum log baat karenge Hindi bhasha gyan aur sahitya ke 30 ati mahatvapurna prashnon ke bare mein. इसका प्रथम भाग जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और सराहा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसका जो फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि पहले उस पार्ट को देखिए, फिर आप लोग इसे देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को करना क्या है, एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है और मैं जो 30 क्वेश्चंस कवर करूंगा आप लोगों को मेरे साथ साथ आप लोगों को एनालाइज करना है, सेल्फ एनालाइज की आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आप लोगों ने कितना सही किया और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा दोस्तों आप लोगों को उसी लेवल्स के मैं प्रिपरेशन करवा पाऊँ ताकि मुझे पता चले कि आपके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि कबीरदास की भाषा क्या थी। कबीरदास आपको पता है कि महान कवि थे। सन 1398 के आसपास जो है काशी में जन्मे कबीरदास। तो बताना है कि कबीरदास की भाषा क्या थी इनमें से। तो कबीरदास जो है उनका एक्चुअल जो भाषा था लिखते थे वो साधुकड़ी भाषा कही जाती है। कबीर की जो लेखन शैली थी उनको साधुकड़ी भाषा में पाई गई है। एक्चुअली जो फैक्ट है दोस्तों कि कबीरदास के जो लेखन शैली है उनमें कई भाषाओं का समावेश पाया गया है। अवधी भाषा, साधुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा, इन सब भाषाओं का समावेश पाया गया है कबीर के जो लेख हैं उनमें। इसके अलावा कबीर के अनेक लेखों में जो है अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि का भी शब्द मिले हैं। इसलिए इनकी जो भाषा है उन्हें पंचमेल भाषा अर्थात जो है पांच भाषाओं के मेल, पांच से ज्यादा भाषाओं के मेल की खिचड़ी को कहा जाता है, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया गया है या तो उन भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा गया है। तो दोस्तों आपको क्लियर होगा कि उनकी भाषा शैली को साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा गया, क्योंकि उनकी भाषा शैली में अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी मोली और इत्यादि अनेक भाषाओं का समावेश था। इसी कारण से उनकी भाषाओं को साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया। पर यहाँ चूंकि ऑप्शन में आपका दे रखा है, अवधि नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे साधुकड़ी हो गई। यहाँ पे अगर अवधि दे रखी होती तो अवधि भी उनकी भाषा में सम्मिलित थी। तो आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर होगा। अगली है उनकी मुख्य रचनाओं की अगर बात करें तो साखी, शब्द और रमेनी उनकी मुख्य रचनाएं थी। उनकी कई लेख जो है उनके मुख्य लेख हैं कबीर ग्रंथवली, कबीर पंथ, बीजक, कबीर के दोहे जो आपको पता ही होगा बहुत ही प्रसिद्ध हैं, विश्वविख्यात है कबीर के दोहे। तो दोस्तों आप लोग इनकी रचनाओं को और उनकी लेखों को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए, चाहे कुछ भी आ जाए या पूछा जाए कि साखी जो है वो किनकी रचना है तो आप लोगों को बताना है वो कबीर की रचना है। शब्द किनकी रचना है, रमेनी किसकी रचना है, बीजक किनकी रचना है, कबीर पंथ किसकी रचना है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। तो दोस्तों मेरा यही प्रयास है कि एक प्रश्न के माध्यम से मैं जितनी से ज़्यादा हो सके आपको डाटा प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि सिर्फ प्रश्न उत्तर कर देना मेरा विचार नहीं है। मेरा यही है कि मैं जितनी से ज़्यादा ज्ञान आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह के प्रश्न आए आप लोग इजिली सॉल्व कर पाएँ। यही मेरा प्रयास है आप लोगों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पहुँचाना। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। आपको नीचे लिखे ऑप्शंस में से बताना है दोस्तों कि सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा अर्थात बायोग्राफी हिंदी में लिखने वाले थे बिहार के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो बिहार के छपरा जिले में 1398 जिले में उनका जन्म हुआ था। तो भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रथम बार जो है हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों के नीचे लिखे ऑप्शंस में से आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम जो है गद्यकार कौन थे। आपको बताना है हिंदी गद्य के चार प्रमुख स्तंभों में से एक रहे लालू लाल को जो है हिंदी के प्रथम जो है गद्यकार माना जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि हिंदी के चार प्रमुख जो है गद्यकार, जिसे हिंदी के चार गद्यकारों के चार स्तंभ माने जाने वाले हैं, उनमें जो है ईसा उल्लाह खां प्रथम, सदल मिश्र, मुंशी जो है सदा सुखलाल और जो है अपने जो है लल्लू लाल चौथे माने जाते हैं। तो इस तरह से हिंदी के चार मुख्य जो है गद्यकार ये हैं।
जिन्हें हिंदी के गद्याकार के चार स्तंभों में से माना जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मे लल्लू लाल की जो प्रमुख ग्रंथ है वो है सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला, माधवानल, प्रेम सागर, ब्रजभाषा व्याकरण, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप लोग नोटबुक में उनकी प्रमुख रचनाएं नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ दे कि माधवानंद जो है किनकी प्रमुख रचना है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, लालू लाल, और जैसे कुछ भी दे दिया जाएगा शिव प्रसाद द्विवेदी, कुछ भी तो आपको बताना है। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, लालू लाल की रचना है माधवानंद, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है, आपको नीचे लिखे ऑप्शंस में से बताना है। तो दोस्तों ये आप लोगों का टास्क रहा, आप लोगों को चलिए मैं बता ही देता हूं दोस्तों। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया दोस्तों कि बेताल पच्चीसी भी लालू लाल की रचनाएं हैं, जैसे नीचे ऑप्शन में बताया कि टोटल ये छह रचनाएं दोस्तों छह रचनाएं मुख्य रचनाएं लालू लाल की है, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला, माधवानल, प्रेम सागर और ब्रजभाषा व्याकरण। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बेताल पच्चीसी भी आपकी लालू लाल की प्रमुख रचनाएं हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, लालू लाल, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं लालू लाल। तो दोस्तों एक बात के लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली में पौराणिक कालों की भी एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है जिसे बेताल पच्चीसी कहा जाता है, जिसमें कि 25 कथाओं का संयुक्त है। ये जो है विक्रम और बेताल की कहानी है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जो है बेताल भट्ट द्वारा रचित है। बेताल भट्ट जो राजा विक्रम के नौ रत्नों में से एक थे, उनके द्वारा ये बेताल पच्चीसी लिखी गई थी। तो ये पौराणिक बेताल पच्चीसी है, और ये जो है नवीनतम बेताल पच्चीसी जो है वो लालू लाल द्वारा लिखित है। अगर इसमें ऑप्शन में आपका बेताल भट्ट हो तो भी पौराणिक जो सबसे पहले बेताल पच्चीसी लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, जिसमें 25 भाषाओं का संग्रह था, जिसमें बहुत ही सुंदर 25 जो है कहानियां हैं। आप लोगों को मैं बोलूँगा जरूर पढ़िए, जिसमें कि विक्रम और बेताल, बेताल जो होते हैं एक प्रेतात्मा होती है, और राजा विक्रम जो होते हैं उस प्रेतात्मा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। पर ये बात है कि ये कंडीशन रहता है दोनों के बीच में कि अगर बीच में राजा विक्रम कुछ भी बोल देते हैं तो वापस जो है वो जो पिशाच है वो वापस जिस पेड़ में था वहाँ चला जाएगा। उसके लिए वो पिशाच जो है बार बार न्यू स्टोरी सुनाता है, और लेकिन बाध्य होके बार बार जो है विक्रम को आंसर देना पड़ता है, और अगेन जो है वो बार बार वो प्रेत वापस चला जाता है। तो बहुत ही सुंदर 25 स्टोरियों का समूह है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी, आपको बतानी है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही। तो आपको पता होगा दोस्तों विद्यापति जो है थे वो बिहार के जो मिथिला के जिले के जो है मैथिली के बहुत प्रमुख जो साहित्यकार थे, और विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाने वाले विद्यापति थे। और उन्हें जो है मैथिली जो भाषा है, जो बिहार की मैथिली भाषा है, मिथिलांचल की भाषा, मैथिली के एक सर्वोपरि कवि के रूप में माना जाता है विद्यापति को। तो विद्यापति की जो पदावली की भाषा क्या थी, वो थी मैथिली भाषा, जो बिहार की एक भाषा है मैथिली। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताना है, पत्र पत्रिका जो भी हो उसका नाम बताना है आपको नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो हिंदी के जो प्रथम पत्रिका थी प्रकाशित हुई उनका नाम है उदंड मार्तंड। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों ये प्रथम पृष्ठ था उदंड मार्तंड का, ये प्रकाशित हुई थी, ये जो शुरू की गई थी पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई थी उदंड मार्तंड, सबसे पहली पत्रिका थी हिंदी की, आप लोग नोट कर लीजिए, नाम था उदंड मार्तंड। और किनके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों, अगर पूछा जाए तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे, बार बार ध्यान रखिए दोस्तों निर्गुण भक्ति काव्य के। आपको पता है दोस्तों कि भक्ति काव्य को दो जो है भागों में विभक्त किया गया था, वो निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊँ, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देना चाहता हूँ कि कबीरदास के काल में क्या हुआ था कि एक तरफ तो कबीर थे और दूसरी तरफ जो थी सूफी कवियों और हिंदू जो है लोक कथाओं के आधार पर ईश्वर पे माने जाने वाले, मैंने ईश्वर भक्ति की और माने जाने वाले अनेक कवि थे। इसी मतों के आधार पर हिंदी को जो है दो भागों में विभक्त कर दिया गया, निर्गुण और सगुण, ठीक है, दो शाखाओं में विभक्त कर दिया गया था। निर्गुण के जो थे दो उपविभाग हुए जिनका नाम जो है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी हुए। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि
जो निर्गुण के दो भाग कौन कौन से थे तो उनका नाम था ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण जो भक्ति काव्य थे उनका जो है दो भाग था, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में जो है ईश्वर की जो है भक्ति के बारे में ज्यादा ध्यान दी जाती है, और निर्गुण भक्ति में जो होते हैं ईश्वर नहीं मतलब ज्ञान की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सगुण भक्ति में जो है रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा में विभक्त किया गया, वहीं जो है निर्गुण भक्ति में जो है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी भाषाओं में इसे जो है डिवाइड किया गया। तो हमारे जो कबीर थे उन निर्गुण जो है भक्ति काव्य के प्रमुख जो है कवि थे उस वक्त के। तो जो प्रश्न है दोस्तों अब आपको क्लियर होगा कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे, तो कबीरदास जो थे निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, आपको बताना है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे, तो महाकवि कालिदास को जो है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता माना जाता है। कालिदास को संस्कृत के महान कवि और जो है नाटककार की श्रेणी में रखा जाता है। उनके लेके बहुत सारी कहानियां बहुत चर्चित है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा दोस्तों। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है एक नाटक है जो है लिखी गई थी कवि कालिदास के द्वारा। उनका हिंदी अनुवाद जो किया गया सबसे पहले राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया, जिनका नाम जो है शकुंतला नाटक रखा गया था। सबसे पहले जो है अभिज्ञान शकुंतलम की जो संस्कृत में लिखी थी कालिदास ने, उसे सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने, उनका नाम दिया था शकुंतला नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, अर्थात दोस्तों आपको पता होगा कि पहले जो है हिंदी की कविताएं चविताएं जो थी छंदों में लिखी जाती थी। तो छंदों की जो परिधि मतलब उनकी गिरफ्त, या तो कहते हैं कि छंदों से घिरे हुए जो कविताएं थी उनसे मुक्त कराने वाले जो है कौन थे, किनको जो है हिंदी के छंदों से परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कहा जाता है, नीचे लिखे ऑप्शन में से आपको बताना। तो हिंदी की कविता के छाया जो है छायावादी युग के चार प्रमुख जो स्तंभ है उनमें से एक स्तंभ माने जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवियों में से एक माना जाता है। चार स्तंभों में से जो एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके अलावा आपके मन में होगा सर और तीन स्तंभ कौन कौन थे, तो तीन स्तंभ जो थे वो थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत्र और महादेवी वर्मा, ये तीन स्तंभ थे। और चौथे जो स्तंभ माने जाते हैं जो छायावादी युग के चार स्तंभ है उनके चौथे स्तंभ जो थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। मेनली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उनकी ख्याति उनके कविताओं के माध्यम से मिली। उनके काव्य संग्रह की अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं उनके काव्य संग्रह कविताएं कितनी विशाल थी, मतलब बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी, बहुत सारी कविताओं से इन्हें मिला। मैं डिटेल आप लोगों को देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग एक एक देख सकते हैं कि कौन से काल में उन्होंने क्या क्या लिखा। जैसे जूही की कली कविता की रचना 1916 में की, 1923-30, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए। आगे उनके उपन्यास की बात करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास थे अप्सरा, अलंका, प्रभावती, निरुपमा, कुली भट्ट, ठीक है, ये सारे उनकी जो है उपन्यास थे। इसके अलावा कहानी संग्रह की बात करें तो लीली, चतुर्चमार, सकुरी की बीवी, सखी देवी, ये उनकी जो है कहानी संग्रह है। निबंध भी उन्होंने कई लिखे, पुराण कथा, महाभारत जो है कि पुराण कथा का ट्रांसलेशन उन्होंने जो किया वो भी लिखा। उसके बाद अनुवाद भी कई जो है लंबे चौड़े अनुवादों की जो है सूची है उनके द्वारा निराला द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरित्र मानस की भाषा क्या है। रामचरित्र मानस आपको पता ही होगा दोस्तों, जिसमें राम के जीवन की जो है लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो आपके बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस की भाषा क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो है 13वीं सदी में लिखी महाकाव्य जो है रामचरित्र मानस की भाषा जो थी वो अवधी भाषा मानी जाती है। अवधी भाषा में जो थी गोस्वामी तुलसीदास ने 13वीं शताब्दी में जो है अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी थी। सॉरी दोस्तों 16वीं शताब्दी में जो है रामचरितमानस लिखी गई थी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया। गागर में सागर भरने का अर्थ है दोस्तों कि पहले से जो थी हिंदी के जो है
ख्याति को बहुत ज्यादा बढ़ाने का कार्य किस कवि ने किया, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो गागर का सागर भरने का कार्य जो कवि था उनका, उन्होंने बिहारी ने किया। उनका पूरा नाम जो था बिहारी लाल चौबे था। उनका कार्यकाल जो है वो 1595 में उनका जन्म हुआ और 1663 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। वो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि में से माने जाते हैं। सो बिहारी को जो है वो गागर में सागर भरने का कार्य के कवि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूरदास के गुरु कौन थे, अर्थात सूरदास जो है प्रमुख कवि जो हिंदी के थे उनके गुरु किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो माना जाता है कि सूरदास जो है आगरा के समीप जो है गौ घाट पे रहते थे और उनकी भेंट अचानक श्री वल्लभाचार्य से हो गई और वल्लभाचार्य ने उनके विचारों को देखते हुए उन्हें अपना शिष्य बना लिया, क्योंकि वल्लभाचार्य उनसे बड़े थे। उन्होंने सूरदास था उन्हें अपना शिष्य बना दिया और वल्लभाचार्य ने ही उनकी जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर उन्हें जो है कृष्ण लीला के पद पर जाने का आदेश दिया। तो उसके बाद से जो है सूरदास के गुरु के रूप में वल्लभाचार्य को माना जाता है। तो सूरदास के जो है पांच जो है प्रमुख रचनाएं जो है बहुत ही विख्यात है, आप लोग जरूर नोटबुक में नोट कर लीजिए इन पांचों के बारे में। प्रथम जो है सुर सागर जो उनकी प्रसिद्ध जो है रचना है जिनमें लगभग 1,25,000 जो है पद संग्रहित थे। उसके बाद जो है सेकंड जो है सुर सागर वली है। तृतीय जो है वो साहित्य लहरी है जिनमें उनके कूट पद पर संकलित है। उसके बाद जो है चौथा जो है वो नल दमयंती जो कथा है आप लोगों ने पढ़ी होगी वो थी, और पांचवी जो थी वो है व्यालो। तो ये पांच जो है प्रमुख रचना थी कबीरदास की जो बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो सूरदास की प्रमुख रचना पांच। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तितली जो है किसकी रचना है, मतलब किसके द्वारा जो है ये तितली लिखी गई थी। तो तितली जो ये पुस्तक है आप लोग जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पुस्तक तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। 30 जनवरी 1889 में जन्मे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में से एक थी तितली। उसके अलावा अगर जो है जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना की बात करें तो प्रमुख काव्य रचनाओं में से कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामयानी और प्रेम पार्थिव को माना जाता है। इसके अलावा उनकी जगह नाटक शैली की बात करें उनके द्वारा लिखी गई तो उनकी प्रमुख जो है नाटक रचनाएं थी वो थी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, कामना और एक मुट। उनके द्वारा जो है कई कहानी संग्रह भी लिखी गई। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा कई उपन्यास लिखे गए। उनकी प्रमुख उपन्यास थी कंकाल, तितली और इरावती। इसी तितली के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि तितली किसकी रचना है, तो ये तितली जो उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर प्रश्न में कंकाल के बारे में पूछा जाता या इरावती के बारे में पूछा जाता तो सेम उत्तर होता जयशंकर प्रसाद। सो आप लोग इसीलिए मैं इसको बताया कि अगर प्रश्न में चेंज करके दे दिया जाए तितली की बजाय कंकाल किसकी प्रमुख रचना है तो आपको ये बता सकते हैं बिना देखिए कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है दोस्तों कि आपकी एक भी प्रश्न ना छूटे, आपको कैसे भी प्रश्न पूछे जाए एग्जाम में आप सही सही जवाब दे पाए। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं दोस्तों कि निराला को कैसा कवि माना जाता है। आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाने जाने वाले, निराला को कैसा कवि माना जाता है आपको बताना है। तो निराला के बारे में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है एक क्रांतिकारी जो है कवि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था आपको बताना है। रश्मि रति जो है परशुराम की प्रतिज्ञा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर, कौन सी रचनाओं के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों सही उत्तर है उर्वशी के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी रचना? उर्वशी के लिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि अतीत के चलचित्र के रचयिता का नाम बताना है आपको नीचे लिखे ऑप्शंस में से। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों ये पुस्तक है अतीत की चलचित्र, ये पुस्तक जो है लिखी गई थी महादेवी वर्मा के द्वारा। 1941 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये एक रेखाचित्र साहित्य जो है लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताना है आपको। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक जो है वो ग्राशादा तासी को माना जाता है। फ्रांस में जन्मे ग्राशादा तासी को ही हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक के नाम पे जाना जाता है। हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास का जो ग्रंथ है
जो इस्तवार द लेतुशे एंदुई ए एंदुस्तानी जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आप लोगों ने तो ये पंक्ति सुनी होगी कि सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है आपको बताना है। आप लोगों ने बहुत बार इस पंक्तियों को सुना होगा, तो इस पंक्ति के रचयिता है महाकवि जो है कबीर को माना जाता है, वाराणसी में जन्मे। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, अर्थात आपको पता होगा सांच मतलब सच्चाई, सच्चाई से बड़ा कोई तपस्या नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, अर्थात और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। आगे पंक्ति में कहा गया है कि जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप, अर्थात सच से बड़ा कोई जो तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सच्चाई बसती है, जो दिल से हृदय से सत्य बोलते हैं, उनके हृदय में ही साक्षात प्रभु का निवास होता है। ये कथन था कबीर का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी पत्रिका जो थी कादम्बनी के संपादक कौन थे आपको बताना है। हिंदी मासिक पत्रिका कादम्बनी के संपादक का नाम बताना है। तो दोस्तों 1960 में शुरू हुई कादम्बनी हिंदी मासिक पत्रिका जो थी हिंदुस्तान टाइम्स समूह के द्वारा शुरू की गई थी, और इनके जो संपादक थे उनका नाम था राजेंद्र अवस्थी जी। राजेंद्र अवस्थी जी जो इनके प्रमुख संपादक माने जाते हैं। इनके अलावा जो थे उन्होंने राजेंद्र अवस्थी जी ने नव भारत, सारिका, नंदन, संपादक हिंदी हिंदुस्तान और कादम्बनी के संपादन कर चुके हैं, जो इनका नाम था राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों दिनकर को किस रस के कवि के रूप में माना जाता है, मतलब दिनकर रामदास सिंह दिनकर के जो काव्य थे गद्य थे उनको किस तरह के रस था, कौन सा रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस के कवि माना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक काल के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर जो कि प्रमुख पहले जो है क्रांतिकारी जो है कवि के रूप में माने जाते थे, उनके वीर रस जो है के कवि के रूप में माना जाता है। तो दिनकर के जो काव्य रचनाएं थी उनमें वीर रस की जो है प्रधानता मानी जाती है। मुंगेर बिहार में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर जो है वीर रस के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न दोस्तों साखी के रचयिता किसे माना जाता है। तो दोस्तों साखी जानने से पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि साखी का अर्थ क्या होता है। साखी का सही अर्थ अगर पता करें तो साखी का अर्थ होता है कि आंखों देखी या तो जिसे भरी प्रकाश से मनुष्य महसूस करे या समझ सके उसे साखी कहते हैं। तो साखी जो है वो कबीरदास की रचना या दोहों को कहते हैं, क्योंकि कबीरदास के जो दोहे हैं या रचनाएं हैं आप लोगों को पता होगा ये ऐसा लगता है कि आंखों देखी हो या जो हो महसूस की गई हो मनुष्य के द्वारा जो उनकी रचनाएं थी, इसलिए साखी के रचयिता जो है वो कबीरदास को माना जाता है। जैसे कि आप कबीरदास की इन पंक्तियों को अगर आप लोग गौर से देखे हो आप लोगों ने सुना ही होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगी कब, अर्थात जो है जो काम आपको कल करना है उसे आज कीजिए और जो आज करना है आपको काम वो तुरंत अभी कीजिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो पल भर में क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, किसे क्या फायदा, क्या पता। तो दोस्तों किस प्रकार से देखिए कबीरदास ने जो है जो आंखों देखी महसूस की गई जिसे फील किया जा सके ऐसी जो है दोहों को लिखा है। तो इस तरह के जो दोहे थे उन्हें जो है साखी कहा गया है, और कबीरदास की इन्हें लिखा गया किन्हें किनके द्वारा लिखी गई है ये सब दोहे ये कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। तो कबीरदास की जो भक्ति व ज्ञान के उपदेशों का संग्रह है उन्हें साखी या दोहा कहा गया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही जो है फेमस पंक्ति है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जो है महाकवि जो थे रहीम को माना जाता है। ये रहीम के दोहे बहुत ही फेमस है, उनमें से एक है ये चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। इसका अर्थ भी इतना सुंदर है दोस्तों कि आप लोग सुन के मोहित हो जाएंगे। इसका अर्थ की कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत भुषंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, अर्थात जो रहीम अर्थात जो मनुष्य जो है उत्तम प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें जो है उत्तम प्रवृत्ति के गुण होते हैं, अच्छे प्रवृत्ति के गुण होते हैं, उनको जो है कुशंगते मतलब बुरे व्यक्ति या जिनके विचार बुरे हैं या जो मनुष्य बुरे हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे 24 घंटे उनके साथ हो। एग्जाम्पल के रूप में कबीर जो रहीम जी ने कितने अच्छे से कहा है कि विष से व्यापत जो है मतलब विष से परिपूर्ण जो सांप
होते हैं वो चंदन के बीच में हमेशा लिपटे हुए रहते हैं, पर उन जो है विषधारी सांप के चंदन के पेड़ में लिपटे रहने से उस चंदन के वृक्ष की खुशबू में कोई अंतर नहीं आता है। वो निरंतर जो है अपनी खुशबू बिखेरता रहता है, जैसे वैसे ही रहते हैं, चाहे इतना विषधारी मतलब इतना खतरनाक सांप भी उनमें लिपटा हो। वैसे ही कबीर कहते हैं कि मनुष्य को भी इसी तरह से होना चाहिए कि कितने भी बुरे व्यक्ति उनके संसर्ग में आए, कोई भी उनके बिगाड़ना चाहे, फिर भी जो है मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और अपनी उत्तम प्रवृत्ति जो है वो से मनुष्य को दूसरे की सहायता करती रहनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि पंच परमेश्वर जो कहानी के लेखक का नाम बताना है आपको। दोस्तों आपको पता है पंच परमेश्वर बहुत ही विख्यात एक कहानी थी, उनका आपको लेखक का नाम बताना है। तो पंच परमेश्वर जो है मुंशी प्रेमचंद्र की पहली जो है वो कहानी मानी गई है, उनके द्वारा रचित थी पंच परमेश्वर जो है कहानी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों दो होते हैं गद्य और पद्य। यहाँ गद्य के बारे में पूछा जा रहा है कि हिंदी गद्य के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है, आपको बताना नीचे लिखे ऑप्शंस में से। तो हिंदी गद्य के जो जन्मदाता है वो माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक जो है हिंदी साहित्य के प्रमुख जो है कवि के रूप में माना जाता है। उनके द्वारा कई रचनाएं लिखी गई, जिनमें जो नाट्य रचनाएं जो है वो निम्नलिखित है। मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, आपको जिसके देखना है वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रमुख है। इनमें से मुद्रा राक्षस जो है प्रमुख जो है रचना है, ये आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। और विद्या सुंदर और मुद्रा राक्षस प्रमुख जो है उनकी नाट्य रचनाएं थी। इसके अलावा मौलिक नाटक की अगर बात करें तो अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, ये बहुत ही प्रमुख रचना थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वैदिक हिंसा और हिंसा ना भवती, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा बाकी रचनाएं आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रमुख रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित। इनके अलावा जो है जो निबंध भी लिखी गई भारतेंदु ग्रंथावली संकलित है, नाट्य शीर्षक जो है प्रबंध नाटक जो है निबंध उनके द्वारा रचित की गई भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों आपको बताना है कि राग दरबारी जो उपन्यास थे उनके रचयिता कौन थे। तो राग दरबारी जो उपन्यास थे उनके रचयिता श्रीलाल शुक्ल को माना जाता है। तो श्रीलाल शुक्ल का जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। उसके बाद उन्होंने 1947 में स्नातक पास करने के बाद 1949 में सिविल सर्विस ज्वाइन किया। उसके पश्चात जो है 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त होने के पश्चात उन्होंने काव्य जगत में जो है अपना पदार्पण किया और लेखन शुरुआत की। 1954 से उनकी लेखन शुरू हुई। वो जो है मुख्य रूप से उनके राग दरबारी जो उपन्यास के लिए जाने जाते हैं, कौन, श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी के आदि कवि के रूप में स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का जो विकास जो है अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से हुआ। एक बात दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहूँ दोस्तों कि हिंदी के जो है एक्जैक्टली आदि कवि कौन थे, इनको लेकर कई मतभेद मिलते हैं, कई जगह पर अलग अलग तर्क मिलते हैं। पर अगर ऐसे प्रश्न आपको आए और इस तरह के ऑप्शंस आपके पास रहे तो आप स्वयंभू को मार सकते हैं। पर एक्चुअली में हिंदी का जो डेवलपमेंट हुआ वो क्रम वाइज हुआ, बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली उनका संस्कृत से उत्पत्ति होकर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप लोग जरूर से देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जो है अलग अलग भाषाओं के बाद अपभ्रंश भाषा के बाद हिंदी का जन्म हुआ। और हिंदी के जो है अपभ्रंश भाषा के जो है मेन कवि के रूप में स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू का भी जो है 8वीं शताब्दी में माना जाता है कि स्वयंभू आए, और जो है कई जगह पे जो है 8वीं शताब्दी के दौरान हिंदी के प्रथम जो है कवि के रूप में सरहपा को माना जाता है। जबकि खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि के रूप में अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि कौन थे तो वो अमीर खुसरो थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो जो मॉडर्न हिंदी से कहा जाता है उनके जनक के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से हिंदी के जो डेवलपमेंट था या तो हिंदी के जनक के रूप में अलग अलग जो जगहों पे अलग अलग चीज़ें मानी जाती है। अगर अपभ्रंश भाषा की बात की जाए तो स्वयंभू को माना जाता है। नॉर्मली जो है सरहपा को 8वीं शताब्दी के दौरान हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जबकि खड़ी बोली के रूप में माना जाए तो प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो मॉडर्न हिंदी के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है आपको बताने हैं। तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो थी उनमें टोटल 7 कांड माने जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड।
अगला प्रश्न दोस्तों कि भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो रामाश्रय काल के जो कवि है वो तुलसीदास को माना जाता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत।